अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं उमर बर्ड्स लवर। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह शाम का टाइम हो रहा है और ये कबूतर मैंने अभी जोड़े वाले इधर खोले हैं, जिधर बेबी जो निकले हैं वहाँ दूसरे वाले अभी नहीं खोले। तो क्योंकि दोस्तों मैं इनको भी अगर साथ खोलता हूँ तो ये वाले कबूतर इधर बच्चों वाले खानों में जाके इधर बच्चों को तंग करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने कबूतर निकाले हैं तो ये सारे देखो किस उस तरफ पर जाना शुरू हो गए हैं। ये भी दोस्तों बननी है। और दोस्तों आज फिर मतलब के जो कबूतरी दोस्तों मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, तो पिछली वीडियो दोस्तों उसके अंदर वो वाले जो केज में मादी थी जिसको मैं कह रहा था कि झोला हो रहा है दोस्तों, उसका झोला नहीं उसको लकवा था, ठीक है ना। तो वो कल उसका लकवा कम था और आज काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। उसको मैं सुबह में आया तो मैंने उसको देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लकवा बिल्कुल अपने केज में मतलब गर्दन को नीचे नीचे खा रही थी। तो मुझे पता लग गया कि इसको लकवा आ रहा, तो दोस्तों मैं उसको मादी खा भी देता हूँ। ये देखे मैंने उसी टाइम दोस्तों सुबह में ही मादी मैंने लग कर दी थी। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट जो है जारी करूँगा मैं इंशाल्लाह अभी। तो अभी इसको मैंने पहली डोज दोस्तों टीका भी लगाऊंगा, सर टैबलेट भी इसको दूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोस्तों रिकवर जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसको आज पहला दूसरा दिन ही है। तो अभी ये देखे दोस्तों एकदम से ये मैं सुबह जब आया तो मेरी नज़र पड़ी ये बिल्कुल, ये देखे ये ऐसे दोस्तों बिल्कुल कर रही थी। तो ये बच्चे भी पा रही है दोस्तों, माशा दो बच्चे पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये देखे ये लाखा ना रहा है इसको इधर मिलने। तो दोस्तों फिर मैंने इसको इधर लैदा कर दिया है। तो अभी सुबह का इसको दाना पानी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं अभी तक दिया हुआ, क्योंकि उधर उसने खा लिया था दाना नीचे थोड़ा सा गिरा हुआ है देखें। तो अभी मैं इसको दोस्तों डोज वगैरह लगाता हूँ। उसको काले चने ही दोस्तों मैं दूंगा, क्योंकि काले चने लकवे झोले वाले कबूतर जो भी मतलब सूखने में आता है उसको काले चने सबसे बेस्ट होते हैं। तो इसका बिल्कुल 10 दिन इसको काला चना ही मिलेगा, क्योंकि काला चना दोस्तों जो खाते भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से हैं। तो काला चना ही इसको मैं दूँगा। और दोस्तों बाकी इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं जब शुरू करूँगा उसके जो भी इसका मतलब कि रिकवर होगी ये जैसे जैसे ठीक होगी, तो दोस्तों वो मैं आपके साथ वीडियो में इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों। उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो जोशो इसमें प्रोग्रेस होगी मतलब कि जैसे जैसे रिकवर करेगी तो मैं फिर आपको वीडियो में इंशाल्लाह, जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियो बना के तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कौन सी मेडिसिन यूज़ की और ये फिर या इसका ट्रीटमेंट चला, ठीक है। तो दोस्तों दुआ करें कि ठीक हो जाए दोस्तों। जिन भाइयों को मतलब कुछ आसान तरीका मतलब कि अगर टीका वगैरह ना लगाना पड़े कोई देसी हल हो दोस्तों वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में दोस्तों, आप ज़रूर नीचे बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखें बड़ा दोस्तों दुख होता है जैसे परिंदा ऐसे अपने आप को करता है, तो ठीक है ना। तो बच्चे माशाल्लाह पा रही है। तो दोस्तों लहदा भी मेरा करने को पहले दिन नहीं कर रहा था क्योंकि जो बच्चे पा रही थी, तो लेकिन दोस्तों फिर दूसरे कबूतरों की भी हिफाजत ज़रूरी होती है इसलिए इसको लैदा किया। और मैं कोशिश आ गई इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ठीक हो जाए बिल्कुल, ताकि मैं इसको इसके वापस केज में कर दूं। तो ये मैंने इधर केज जो बड़ा वाला जिसमें मैं अपने बच्चे छोड़ता था प्रवादी उसमें मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें बिल्कुल धूप लगती है तो धूप में ये कबूतर खुश रहता है, ठीक है। मेरे पास वो देखे वो केज भी पिछ बड़ा वाला है कि दोस्तों उसमें धूप नहीं आती इसलिए मैंने इधर छोड़ा इसको। तो ये देखे दोस्तों, बाकी मैं इंशाल्लाह इसका जो भी इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा वो आपके साथ वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा एक बना के। तो कबूतर ये देखे दोस्तों खुलते साथ ही इधर दीवार के साथ चमड़ गया जैसे इनकी दोस्तों आदत है, ठीक है ना। चलो तो माशाल्लाह से दोस्तों ये देखे कबूतर ठीक है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है दोस्तों। इसको भी पता नहीं कैसे दोस्तों लकवा आ गया बिल्कुल, ज़्यादा सेपरेट कबूतर से ये पता नहीं हवा आई मतलब इसको क्या हुआ दोस्तों, मुझे वो समझ नहीं आई कि मादी का शुक्र हुआ। तो बाकी गला ना करे कोई मसला बने, ठीक है ना। तो बाकी ये मैं दोस्तों इधर बंद ही कर देता हूँ मैं इनको, चलो दूसरे भी दोस्तों खोलता हूँ, इनको बंद करता हूँ पहले तो फिर मैं दोस्तों दूसरों को खोल देता हूँ ये वालों को। चलो आ जाओ भी, ये भी दोस्तों भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से अभी बाहर आ जाएंगे, धूप काफ़ी निकली हुई है। ये देखे ये वाइट नारी पहले आता था बाहर, तभी दोस्तों इधर एक ही पेड़ अंडा दिया, बाकी का कोई खबर नहीं, मादी बैठी हुई है। अल्लाह ही करे, अल्लाह खैर करे अगर अंडा दे दे तो। वाइट फीमेल बैठी हुई है, ये इसको निकल आई है। ये देखिए माशाल्लाह से बाकी भी बाहर आ गए हैं दोस्तों, शाम का टाइम है। तो चलो दोस्तों इनको दाना डालते हैं पहले, तो जिनके बच्चे निकले वहाँ उनको भी दाना डालता हूँ और फिर करते हैं दोस्तों उस मादी का ट्रीटमेंट। पहले उसको दाना वगैरह डालते हैं दोस्तों। ये देखे काले चने मेरे पास अलग से ही, ये देखे माशाल्लाह से 1 kg पूरे इधर पड़े हुए साइड में। तो ये दोस्तों मैं ला के रख लेता हूँ, ये मैं फिर दाना, ये देखे दोस्तों ये मेरा दाना इधर मैंने रखा हुआ है। और ये दोस्तों अब दाना देख लें माशाल्लाह से ठीक है। तो मिक्सी दाना दोस्तों, इसके अंदर मैं थोड़ा बाजरा गंदम
और काला चना ऐड करवा लेता हूँ। बाकी दोस्तों मकई वगैरह इसमें काफ़ी होती है। अरे दोस्तों घर में सफ़ेद चने जो होते हैं ये पड़े हुए थे तो ये ख़राब हो रहे थे, तो मैंने ये भी बीच में ही इसके फेंक दिए। बाकी है तो चना ही। तो ये देखिए माशाल्लाह से कबूतर, दाना डालूँ दोस्तों इनको ठीक है। तो ये दाना आप देखें, अभी मैं इसको दाना दोस्तों मैं डालूँगा ठीक है ना। दोस्तों इनको भी दाना साथ साथ ही डालते हैं। नीरा दोस्तों इधर से शुरू कर लेते हैं फिर आज दाना। दोस्तों थोड़ा थोड़ा इनका पड़ा होता है लेकिन ये फिर खाते नहीं है, बाद में बिल्कुल थोड़ा सा शाम में इधर दाना फेंक देता हूँ। तो ये देखिए इसने दोस्तों दाना ख़त्म किया हुआ है, इधर फेंक देता हूँ। जैसे ये नीचे वाला जो दाना गिरता है ना, ये मैं सुबह में दोस्तों इधर साफ करके ना मत के ये वाला दाना निकाल के उधर बाहर अपने दूसरे कबूतर जो हैं जंगली वगैरह उनके लिए दोस्तों मैं फेंक देता हूँ। तो इधर दोस्तों देखो पिछली वीडियो में आपने देखा काफ़ी कचरा था, तो लेकिन अब दोस्तों काफ़ी ठीक है क्योंकि मैंने इसे सुबह में इसका दाना निकाला था काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी जो रह गया था दोस्तों वो तो नहीं निकला, तो वो इंशाल्लाह दोस्तों फिर किसी वीडियो मतलब के किसी दिन निकालूंगा। दाना इधर दोस्तों डाल दिया है ठीक है, अब वो उधर चलते हैं। ये जो कबूतर खोले हैं ये देखो दोस्तों ये बाहर आ गए। चलो 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 चलो, ये दोस्तों जो मादी है ना ये इधर को आ जाती है। चल चल इधर आ, इधर आ, इधर आ, इसको भी दोस्तों इधर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों जाक मादी भी माशाल्लाह से अंडों पर आई हुई है, इसने भी दुम वगैरह कराई है दोस्तों। दूसरी मादी वाइट नहीं आई अभी तक बाहर, चेक करते हैं क्या होता, कोई गुड न्यूज़ ही मिल जाए। माशाल्लाह दोस्तों मिल गई गुड न्यूज़ हमें, माशाल्लाह से दोस्तों एग्स दे दिया है, वो बैठी हुई है अभी। तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश ही एग्स अभी इसने कही दिया है। तो इसको इधर दाना डाल देते हैं थोड़ा सा, ये इधर मैं ये दोस्तों ये इनको दाना डाल दिया दोस्तों। ये देखें माशा से सफ़ेद चना भी खा लेते हैं, कोई भी इधर आपको दाना सफ़ेद चने का नहीं पड़ा होगा दोस्तों, बस जाक मादी का भी इंतज़ार अंडों का। और एक दोस्तों ये वाला पेयर जो है ना लगा हुआ है लेकिन ये एग्स नहीं दे रहा। तो इधर भी दोस्तों दाना फेंकता हूँ मैं, बाहर ही गिर गया। चलो दोस्तों इनको भी डाल दिया है दाना, तो इनको तो दोस्तों मैं बंद ही कर देता हूँ। ये वाले जो है ना ये दाना कम दोस्तों खाते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर बच्चों को दाना वगैरह नहीं देते ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे ही करने दिया ठीक है ना। तो अब मेरा बड़ा केज रह गया दोस्तों, उसको डालते हैं दाना बड़े केज में। इधर अपने जाल में दाना डालते हैं, तो जाल वाला भाई दोस्तों ये पड़ा हुआ है दाना, ये देखें दोस्तों ये देखिए जाल वाले जो है ना ये दोस्तों माशाल्लाह से हर किस्म का दाना खा लेते हैं, मतलब खाली बाजरा भी हो तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों जो कबूतर फिर मेरे बाजरा नहीं ना खाते, मैं उनका दाना एक साइड में निकाल ही जाता हूँ और फिर इनको इधर डाल देता हूँ। तो ये देखना दोस्तों अभी सारा खा जाएंगे आके। ये ले दोस्तों ये रेड जंगली ये है शरादी जो है रेड, इसका दोस्तों लिए दोस्तों मैंने एक फीमेल देखी है। तो दोस्तों इधर पड़ी हुई है घर, तो कज़न ही है मतलब के उनके घर पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं ले आऊँगा ब्लैक है दोस्तों, उसके अंदर शेड ब्राउन भी आता है, तो मेरी कोशिश है मैं वही ले आऊँ। तो दोस्तों वो वाइट पेड़ देखें वो मैंने छोड़ा हुआ, शायद उसने अंडा दिया कि नहीं आज अभी तक दोस्तों, उस पेड़ ने अंडा नहीं दिया क्योंकि दोस्तों वो मादी को उधर दिल नहीं रहा, मैंने इधर छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह वो एक्स दे देगी आज नहीं तो कल दे देगी। तो ये मैंने दाना डाल दिया, तो वो दोस्तों मैं आपको दो बार कबूतर दिखाऊँगा, वो देखे कैसे उधर घूम रहे हैं अपना। तो शुक्र है दोस्तों उनका उधर दिल लग गया, क्योंकि ये उधर को जाते हैं तो फिर हमें उड़ के बाहर ना चली जाएं। ये देखें माशा से ये कबूतर है। तो ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो मैं वो लखनऊ मेडिकल इलाज करूँगा उसकी मैं एक प्रॉपर अलहदा से वीडियो बना कर इंशाल्लाह आप फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ठीक है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे यहाँ नया वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज़।